तो गेमर बहुत सारे बंदे अभी भी ऐसे हैं जो कि अपना फ्री फायर मैक्स को प्ले नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से अपने गेम में इंटर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो गेमर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों की ये प्रॉब्लम गाइस 110% फिक्स आउट हो जाएगी, और आप लोगों का अपना जो या फ्री फायर हो या फिर फ्री फायर मैक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो 110% फिक्स आउट हो जाएगी और आप लोग प्ले कर पाओगे अपने फ्री फायर को या फिर फ्री फायर मैक्स को। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, यानी कि अगर आपका फ्री फायर मैक्स लॉगिन फेल्ड हो जा रहा हो, या फिर आप लॉगिन करने जा रहे हो नेटवर्क कनेक्शन एरर बता दे रहा है, या फिर लोडिंग स्क्रीन जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपकी ये इस ट्रिक से हर प्रॉब्लम ठीक होकर आपका फ्री फायर मैक्स जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ट्रिक बताने से पहले आप लोग के सामने लैपटॉप के साथ में अपना जो फ्री फायर मैक्स है उसे पहले लॉगिन करके आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूँ एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर पहले देख लो कोई भी वीपीएन वगैरह भी अभी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टैप टू करूँगा तो मेरा जो फ्री फायर है वो यहाँ पे पूरी तरह से गाइस यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो गाइस ट्रिक बताने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे आप लोग की ये प्रॉब्लम फिक्स आउट करवा के आप लोग का फ्री फायर मैक्स लॉगिन करवा देता हूँ पूरी सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कट करता हूँ इसे। ठीक है, तो कट करने के बाद सबसे पहला काम जो करना होता है आपको, सबसे पहले जाओ क्या काम करो कि जो भी आपकी जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है फ्री फायर मैक्स का, उसे यहाँ पर 2 सेकंड यहाँ पर टैप करके रखेंगे एंड उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, शेयर इन्फो एंड यहाँ पर अनइंस्टॉल का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक आउट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको क्लियर कैच करके यहाँ पे टाइप आउट कर देना ओके पर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसे यहाँ पे सिंपली कट कर देना है पूरी तरह से। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर प्ले स्टोर में जाना है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको इसके सर्च बार में यहाँ पे लिखना है स्पीड वीपीएन। ठीक है, स्पीड वीपीएन यहाँ पे टाइप आउट करके यहाँ पे सर्च आउट कर दो। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो एंड यहाँ पर ये वाली जो एप्लीकेशन दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है, आप इसका इंटरफेस एंड लोगो वगैरह अच्छे से यहाँ पे देख लो, ये इस तरह का यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो मैं इसे पहले से इंस्टॉल वगैरह कर रखा हूँ, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसे पूरी तरह से ओपन होने देंगे एंड थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। ओके गाइस, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं एंड उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें आखिर करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है पूरी तरह से एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने तो हुए नीचे की साइड में देखोगे तो बहुत सारे वीपीएन आपको देखने को मिलेंगे, बट गाइस हमारी जो काम का सर्वर है वो ये वाला सर्वर है। ठीक है, सिंगापुर वाला सर्वर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस एरो पर सिंपली क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे क्लिक करोगे तो फाइनली गाइस हमारा जो सिंगापुर सर्वर है वो हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो चुका है एंड उसके बाद हमें इसे यहाँ पर सिंपली मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद अब आपको अपना जो फ्री फायर मैक्स है उसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, एंड गाइस बहुत से बंदे ये भी बोल रहे होंगे कि भाई अभी तूने अपना जो फ्री फायर मैक्स ओपन किया था बिना किसी वीपीएन के, तो अब तुझे यहाँ पे वीपीएन लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो गाइस मैं उन लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि सिर्फ हम लोगों को एक ही बार यहाँ पर वीपीएन को कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इस वजह से हमने यहाँ पर एक बार वीपीएन को कनेक्ट करना है, देन उसके बाद हमारा जो फ्री फायर मैक्स है वो ओपन हो जाएगा, पूरी तरह से लॉग इन हो जाएगा, इंटर कर जाएंगे हम अपने गेम में, तब हम लोग अपने जो वीपीएन को अनइंस्टॉल भी कर देंगे, डिस्कनेक्ट भी कर देंगे, तब भी यहाँ पर अगर दोबारा जब फ्री फायर मैक्स को लॉगिन करने जाएंगे तो हमारा बिना किसी वीपीएन के चलेगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वगैरह की बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो लाइव प्रूफ के साथ मैं अपना फ्री फायर मैक्स आप लोगों के सामने लॉगिन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो, तो टैप टू करता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देखो लाइव प्रूफ के साथ हमारा जो फ्री फायर मैक्स है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं एंड आप लोग के सामने लॉगिन करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ गाइस। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइस, तो उसके बाद हमारा जो ओपन हो जाएगा तो आप वीपीएन वगैरह को इंस्टॉल भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लेना। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यार मिलते हैं फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।